दोस्तों अगर आपके पास पेन कार्ड और आधार कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों इस वीडियो को कम्प्लीट ही देखिएगा इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। जो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि अगर आप अपने पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड 31 मार्च 2023 से पहले पहले लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा यानी रद्द कर दिया जाएगा तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है की कैसे आपको पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक करना है क्या इसका प्रोसेस है क्या आपको पेमेंट करना है या फिर नहीं करना है कौन सा स्टेट के लिए लिंक करना जरूरी नहीं है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा तो तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है आप अपने मोबाइल या लैपटॉप का किसी भी एक ब्राउज़र को इस प्रकार से ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है ई फीलिंग पेन जैसे आप ई फीलिंग पेन लिख के सर्च करोगे सर्च करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे आप देखोगे इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे शो हो गए हैं आपको क्या करना है सिंपली इस पर इस प्रकार से क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे आप देखोगे अपने पेन को आधार से लिंक करें और इसके ठीक नीचे यहाँ पे दिए गए हैं यानी अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले पहले अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो एक अप्रैल 2023 से आपका जो पैन कार्ड है वो निष्क्रिय हो जाएगा यहाँ पे साफ साफ लिख दिए गए हैं ठीक है तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या आपका जो पैन कार्ड है वो एक्टिव है अभी या फिर डिएक्टिव है तो इसके लिए आपको क्या करना है सिंपली इस प्रकार से नीचे की तरफ चले आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे क्विक लिंक्स और इसके ठीक नीचे यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे लिंक्स दिए गए हैं आपको इस प्रकार से स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे वेरीफाई योर पेन तो आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पे वेरीफाई योर पेन के ऑप्शन में क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद तो इस पेज पे आने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे आप अपने पैन कार्ड नंबर को एंटर करेंगे इसके बाद यहाँ पे नीचे फुल नेम फिल करेंगे जो पैन कार्ड में नाम है वही नाम यहाँ पे आपको फ़िल करना है इसके बाद पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आपको फिल करना है इसके बाद नीचे यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करना है ठीक है और इसके बाद सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है तो हम फटाफट से फिल करेंगे और फिल करके कंटिन्यू करेंगे तो सारे फिल करने के बाद सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटी सेंड किया जाएगा उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है तो हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ चुके हैं हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे ओटीपी फिल करने के बाद सिंपली वैलिडेट के ऑप्शन में क्लिक करना है जैसे आप वेलिडेट के ऑप्शन में क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एस पार पेन तो यहाँ पे देखिए मेरा जो पेन कार्ड है वो यहाँ पे एक्टिव शो हो रहा है यानी अगर आपका पेन कार्ड यहाँ पे एक्टिव दिखाता है तो इसका मतलब आपका जो पेन कार्ड है वो अभी तक डीएक्टिवेट नहीं किए गए हैं और आपका पेन कार्ड एक्टिव है ठीक है और यहाँ पे अगर इनएक्टिव दिखाता है तो इसका मतलब आपका जो पैन कार्ड है उसको निष्क्रिय कर दिए गए हैं यानी डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं ठीक है तो ये चेक करने के बाद आपको चेक करना है क्या आपके पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं है ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करना है सिंपली इस प्रकार से बैक चले जाना है तो आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक है या नहीं है ये चेक करने के लिए दोबारा आपको क्विक लिंक्स के ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे लिंक आधार स्टेटस तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है क्या आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं है ठीक है तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन में क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा ठीक है और सबसे ऊपर यहाँ पे पेन नंबर एंटर करने का ऑप्शन आए हैं यहाँ पे क्लिक करके आप अपने पेन नंबर को एंटर कर देना है ठीक है इसके बाद यहाँ पे नीचे आधार नंबर फिल करने का ऑप्शन आए हैं आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ पे फिल करना है ठीक है पेन और आधार नंबर फिल करने के बाद सिंपली व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन में क्लिक करना है जैसे आप व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन में क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे बता रहा है कि योर पेन नंबर इज़ ऑलरेडी लिंक टू गिवेन आधार नंबर ठीक है यानी मेरा जो पेन नंबर है वो आधार नंबर के साथ लिंक है ठीक है और यहाँ पे अगर आपका भी यहाँ पे पेन कार्ड के साथ आधार कार्ड इस प्रकार से ऑलरेडी लिंक शो हो रहा है तो इसका मतलब आपका पेन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है आपको दोबारा लिंक करने की ज़रूरत नहीं है और दोबारा आप लिंक कर भी नहीं सकते हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कुछ लोग ऐसा है कि उनको लगता है कि उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो वो डायरेक्ट साइबर कैफे में जाता है और वहाँ पे एक हजार रुपया फालतू का खर्चा कर देते हैं तो ऐसा कभी नहीं करना है आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टेटस चेक कर लेना है आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है और अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ यहाँ पर लिंक नहीं दिखा रहा है तो अभी भी सात दिन का समय है यानी एक हफ्ता समय अभी भी बाकी है आप इस एक हफ्ते के अंदर आपका जो पैन कार्ड है उस पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर लेना है दोबारा आपको ई फिलिंग का पोर्टल पर आ जाना है और नीचे आना है यहाँ पे क्विक लिंक्स का ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और नीचे आपको एक ऑप्शंस देखने को मिलेंगे लिंक आधार आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और सबसे पहले यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिए गए हैं यानी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिए गए हैं आपको इसको अच्छा से एक बार पढ़ लेना है ठीक है और इसके बाद नीचे यहाँ पे पेन और आधार नंबर यहाँ पे फिल करने का ऑप्शंस आ गए हैं और नीचे यहाँ पे एक नोट दिए गए हैं तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है इस नोट में क्या लिखा है अगर आप एक एन आर आई है तो आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड के साथ लिंक करने की ज़रूरत नहीं है या फिर अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आपको भी पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ लिंक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी उम्र 80 साल के ऊपर है यानी पैन कार्ड में जो डेट लिखे हुए हैं उस डेट से लेके आज के डेट तक अगर आपका जो उम्र है वो 80 साल के ऊपर हो गया है तो आपको पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है चाहे आप किसी भी स्टेट का हो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा यहाँ पे नीचे दिए गए हैं अगर आप आसाम मेघालय या फिर जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं आपको पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक करने की जरूरत नहीं है तो अगर इन तीनों स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको फालतू का एक हजार रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है और इन तीनों स्टेट से अलावा जो लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए सिंपली यहाँ पे पेन नंबर फिल करना है आधार नंबर फिल करना है और इसके बाद ऑप्शन में पेमेंट कर पेमें कर पेमें करने के चार या पांच दिन के बाद आपको दोबारा इस पोर्टल पे आके आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं आई होप वीडियो आपको पसंद आए होंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जय हिंद जय